तो क्लास ऑफ हाफ का वेलकम। आज हम सिंपल ब्लाउज बताएंगे जो हाफ कटोरी बोलते हैं वह ब्लाउज बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये हमारा कपड़ा है, ये लाइनिंग का है और ये ब्लाउज का ऊपर का ये कपड़ा है, ये देखिए। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये कपड़ा है, ये 80 सेंटीमीटर है, ये ऐसे लाइनिंग का। जब भी आप ये अस्तर का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे ये हुआ, और इसको ऐसे डबल फोल्ड में ऐसे करेंगे। ये किनारी है जो कपड़े की, ये किनारी है, ये ऐसे लंबी तरफ आनी चाहिए, ये देखिए। तो हम ऐसे फोल्ड करके और हम ये हम करेंगे 38 छाती की कटिंग, जैसे 38 है उसके हम कटिंग करेंगे। जिस जितनी भी आप आपकी जैसे कटिंग करना है वो, तो जैसे चेस्ट की उस हिसाब से आप इसको, जो भी जैसे जिसकी छाती है उस हिसाब से आप उसको चौथा भाग कर लीजिए। जैसे 38 है, 36 है, तो उसका आप चौथा भाग करेंगे। तो चौथा भाग करने के लिए आपको वैसे समझ में नहीं आए तो आप इस नीचे टेप पर, जैसे 36 है तो 36 से ये 36 हुआ, इसका हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे इंची टेप को। तो ये देखिए ये इसका आधा हुआ, ये देखिए ये 36 इंच है, तो ये इसका 18 इंच आधा हो गया। और फिर हम इसका चौथा भाग करेंगे, तो इसको ये चौकोन में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये इसका जिस चौकोन में फोल्ड करेंगे ऐसे सीधे सीधे, ये देखिए ये, और ये चौकोन में फोल्ड किया तो ये 9 इंच हुआ। आपको वैसे समझ में चौथा भाग नहीं आए तो आप ऐसे करके जितनी भी छाती हो उसका आप चौथा भाग करें तो आप इंची टेप से उसका नाप लीजिए और उसको ऐसे फोल्ड करके और आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें हम 38 का करेंगे, ये 38 है, तो हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और ये इसका आधा हुआ, ये देखिए 19 हुआ। और फिर हम इसको ऐसे फिर डबल कर लें, ये चौकोन में करा तो 9.5 हुआ, 9.5 इंच हुआ, ये देखिए ऐसे करके। तो अब हम इसमें 38 का कटिंग करेंगे और उसका जैसे तीरा है, तीरा इसको हम जैसे चेस्ट के हिसाब से तीरा लेंगे इसमें। तो जितना भी आपको गला जिसका कटिंग करेंगे, गहरा गला, जैसे ज़्यादा लंबा गला करना है तो आप उसका तीरा कम लेंगे, और आपको कम कटिंग करना है गले की, पीछे की गले की, तो आप उसको तीरा थोड़ा बढ़ा देंगे। तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी आगे की तरफ ऐसे शोल्डर की तरफ नहीं गिरेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए, और इसकी लंबाई हम 13 इंच ले रहे हैं, 13 इंच इसकी तैयार है। और हम इसमें देखिए ये है पीछे का भाग, तो पीछे का भाग क्या लेंगे, ये 15 इंच लंबाई ली है जो फोल्डिंग के लिए होगा, तो ये 15 इंच लंबाई है। और इसका हम चौथा भाग किया था 38 का 9.5 इंच, ये 9.5 इंच, 9.5 इंच इसमें तैयार है और 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो 9.5 का 11.5 इंच करेंगे। तो ये 11.5 इंच, जो भी आपकी जैसे चौड़ाई, जैसे छाती की 9.5 हो, 8.5 हो, 7.5 हो, उसमें आप 2 प्लस करेंगे, जितनी भी है उसमें 2 प्लस करेंगे।
ये हमने 11:30 लिया। ये हमारा पीछे का भाग है और फिर हम इसका शोल्डर लेंगे 6 इंच। ये हम इसका जैसे 6 इंच ये लिया, ये शोल्डर 6 इंच लिया। अब हम इसके मुड्डे भी हम 6 इंच लेंगे। ये ऐसे बॉक्स बना दिया और इसका हम यहाँ से ऐसे गोलाई कर देंगे। ये गोलाई आपको ऐसे नहीं आए तो यहाँ से ये कट हुआ, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच से ऐसे गोलाई कर देंगे। ये हमारा मुड्डे हो गए। अब हमारा गला 2.5 इंच का हम गला लेंगे चौड़ाई की तरफ, ऐसे 2.5 इंच ये लेंगे। और ये बचा हुआ हमारा, ये देखिए आपको जैसे ज़्यादा गहरा करना है तो आप इसको ये मुड्डे हम 5.5 भी ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा गहरा करना है तो, और कम करना है तो आप इसमें 6 इंच ले सकते हैं। तो आपको गहरा करना है तो आप इसको इस तरफ कम कर देंगे और 5.5 कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा ये यहाँ तक। और आपको जैसे गले की लंबाई कम ज़्यादा करनी है तो आप कम करेंगे, और गले की लंबाई आपको कम करनी है तो ये ज़्यादा करेंगे। तो ये देखिए अब हम गले की लंबाई करेंगे 9 इंच या 9.5 इंच। ये ऐसे बॉक्स बनाया और इसको हम ऐसे गोल गले में कटिंग किया। और आपको गोल नहीं करना है, आपको इसमें डिजाइन करना है तो यहाँ से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। पहले पेपर पर कटिंग कीजिए फिर इस पर कर सकते हैं। अब हम इसमें ये हमने 9.5 किया है तो ये हम 5.5 भी करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और इसकी गोलाई ऐसे, और फिर हम पीछे की प्लेट डालेंगे तो ये हम 10 इंच पर डालेंगे। लंबाई की तरफ हम 10 इंच लेंगे और ऐसे चौड़ाई की तरफ हम 3.5 इंच लेंगे। ये देखिए ये हमारा पीछे का हो गया, ये गला हो गया 9.5 इंच, ये प्लेट होगी 10.5 इंच पे, और ये हमारा 5.5 लिया है हमने गला ज़्यादा बड़ा करने पर। और आपको कम करना है तो ये आप 6 पे भी ले सकते हैं। और फिर ये 6 इंच हमारा मुड्डे हुए और ये चौड़ाई आपको बताई है तो उसका चौथा भाग लेके इसमें 2+ करना है। और लंबाई हमने इसमें 13.5 इसमें तैयार रहेगा, और जब फोल्डिंग के लिए लिया और सिलाई के लिए तो 15 इंच लिए। आगे की लंबाई लेंगे हम 16 इंच, ये 16 इंच लिया हमने यहाँ तक। और शोल्डर हमारा ऐसे ये ही रख के यहाँ से यहाँ तक। और 6 इंच हमारा ये मुड्डे रहेंगे, 6 इंच मुड्डा लेंगे। इसमें ज़्यादा मुड्डा जैसे गहरा नहीं लेना, तो आप जैसे ये चौड़ाई ज़्यादा रहती है तो मुड्डे कम लेंगे तो ये चौड़ाई में ये बढ़ जाते हैं। ये 6 इंच लिया और यहाँ से, और ये हमारा 11.5 इंच था।
ये हम इसकी गोलाई, ये बताइए यहाँ से डेढ़ इंच ऐसे लेकर इस कोने से और यहाँ निशान लगाना और ऐसे गोलाई करना, यहाँ डेढ़ इंच और गला आगे का भी ये चौड़ाई 2.5 इंच है। और लंबाई हम लेंगे 6 इंच आगे के गले की लंबाई कम रहती है और पीछे की आप जितनी भी बड़ी आपको चाहिए, गहरा चाहिए, उस हिसाब से कर सकते हैं। ये करके आप इसमें ऐसे ही गोलाई करते हैं। और अब हम इसमें आगे टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, पीछे का भी हमने 10 इंच पे लगाया है, तो ये 10 इंच पे और ऐसे चौड़ाई की तरफ 3.5 इंच पे। ये निशान अब हम इसमें आगे का हाफ कटोरी बना रहे हैं, तो इसी में हम हाफ कटोरी करेंगे, तो हम लेंगे यहाँ से 4 इंच पे और यहाँ से लेंगे हम 3 इंच पे। तो ऐसे हम इसको ऐसे मिलाएंगे। और ये हमारी प्लेट आगे की यह टक्स हुआ। अब इसी टक्स से हमारे ये तीनों टक्स डालेंगे, ये इससे जो पहले बीच में डाली है इससे हम 1.5 इंच लेंगे, इसकी सीध में 1.5 इंच लिया और ये ऐसे जाएगी और इससे फिर हम 1.5 इंच लेंगे, ये इस तरफ ऐसे चले। अब ये दोनों टक्स डाली है, इसका बीच का हम भाग लेंगे, जैसे इनके बीच का और यहाँ लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इसका बीच से और हम सीधी टक्स डालते हैं। आपको सीधी पसंद है तो सीधी डाल सकते हैं और यहाँ से आपको ऐसे तिरछी पसंद है तो आप यहाँ से 1.5 इंच लेके ऐसे तिरछी भी डाल सकते हैं। तो ये प्लेट जो मैन बीच में डालेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच ये लेंगे, फिर इससे हम 1.5 इंच ये लेंगे और फिर इससे 1.5 इंच लेके इसके बीच का नाप के ही सीधी प्लेट डाल देंगे। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज, ये आगे का भाग है और ये पीछे का है। ये आगे का, ये हमारा हाफ कटोरी का, ये क्या उसको तीरा बोलते हैं, तो ये तीरे का हमारा 4 इंच आगे का लिया है जैसे, और पीछे की तरफ हमने 3 इंच लिया है और उसको हम ऐसे तिरछा कटिंग करेंगे। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे, ये अलग ये दो भाग और ये इसका मुड्डे की कटिंग, ये गले की कटिंग, ये सब कटिंग ऐसे। और ये टक्स का हम आगे का ये टक्स है, पीछे की टक्स हुए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद हम इसका जो इसको रख के हम ये ऊपर का भाग कटिंग करेंगे। और ये हमारी बाजू हो गई, जो साइड में हमारी बाजू है, बाजू आप इसमें बाजू में अस्तर लगाएंगे तो वह अस्तर बच गया, और बाजू में अस्तर नहीं लगाना आपको तो इसमें बाजू निकालेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से पूरा गले की यहाँ कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हुई है, ये पीछे का भाग है, पीछे का भाग हम यहाँ से नहीं खोलेंगे और ये आगे का भाग है और ये इसकी क्रॉस पट्टी है, जो तीरा भी बोलते हैं, क्रॉस पट्टी भी बोल सकते हैं, इसको हाफ कटोरी भी बोल सकते हैं। और ये हमारी जैसे ये टक्स, ये हमारी सोली सब कट हुई है। अब ये बाजू है, बाजू अब इसमें हमने
ये मुड्डे कटिंग किया था 6 इंच, तो हम इसमें 2 इंच ज़्यादा लेंगे। ये हमारे जैसे बाजू है, बाजू जिसे हमें 6 इंच हम इसमें मुड्डा दिए थे, 2 इंच बाजू में हम ज़्यादा लेंगे, तो 8 इंच हमारी बाजू है। और लंबाई जितने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, 5 इंच 4 इंच, इसके हम 5 इंच लिए। इसमें फोल्डिंग होगा, 4 इंच बचेंगे। तो यहाँ से जो खुली साइड है वहाँ से हम 3 इंच लेंगे। ये हमने 3 इंच लेके ये निशान लगा दिया है यहाँ तक, ये ऐसे 3 इंच लेके, और ये हमने ऐसे, और ये हमने 3 इंच का शेप, बीच का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम इसका आधा 4 इंच ये लेंगे, और यहाँ से हमने थोड़ी कटिंग करनी है आगे की तरफ, ऐसे करके ये आगे की तरफ कटिंग करनी है। तो पहले हम एक भाग जैसे पीछे का दोनों का साथ कट करेंगे, फिर इसको ऐसे सीधा करके और हम आगे की कटिंग करें। देखिए ये हमारी आगे की कटिंग होगी। ये आगे की कटिंग देखिए, ऐसे हम आगे का पल्लू है उसका भी हम बाजू की थोड़ी कटिंग करेंगे आगे की तरफ, ऐसे यहाँ से ऐसे कटिंग करें यहाँ तक। ये हमारा ब्लाउज, ये अस्तर तो कटिंग हुआ, अब हम इसमें ऊपर का भाग कटिंग करेंगे, और फिर हम इसमें ये इसकी गले की ऊपरी पट्टी कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे डाल के, और हम इस भाग को ऐसे रख लेंगे। ऐसे हमने लगा के अब हम इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, ऐसे रखा है वैसे निशान लगा के हम पूरा कटिंग करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे कटिंग करके फिर हम ये कपड़ा बचा है उसका हम ऊपरी पट्टी कट करेंगे जो बड़े के लगेगी। तो हम ये पूरा कटिंग करते हैं, उसके बाद हम ऊपरी पट्टी, बटन पट्टी ये सब कट करेंगे। देखिए सब ऊपर का पल्लू भी कटिंग हुआ,
और ये नीचे का भाग भी और ये ऊपर का भी, ये दोनों हमारा कटिंग हुई है। अब हम इसमें पूरे पट्टी कटिंग करेंगे। ये कपड़ा बचा हुआ है, इसका हम पूरे पट्टी कटिंग करेंगे। पूरे पट्टी जब भी कटिंग कर रहे हैं, यहाँ एक कोने से लीजिए और ऐसे लगाइए डेढ़ डेढ़ इंच पर, और ऐसे हम आपको बारीक चाहिए तो आप इसमें एक एक इंच भी ले सकते हैं। ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे, और ज़्यादा जैसे इसमें कम रहे तो इस कोने से ऐसे कटिंग कर लें। तो ये हम सब कटिंग करेंगे और फिर हम इसमें बटन पट्टी भी लगाएंगे। तो ये कपड़ा बचा हुआ है, इसका हम बटन पट्टी कट करेंगे, ये ऊपर का भाग, और इसको ऐसे लगाएंगे। तो सबसे पहले अब सिलने में हम इसको पहले टक्स डालेंगे, पीछे के टक्स, ऐसे लगा के इसको, और ये सिलाई लगा के हम इसको ऐसे पलटी कर लें, ऐसे पलटी करें। फिर हम इसमें ये टक्स डाल देंगे, इसमें दो टक्स हैं पीछे के भाग में। ये आगे का भाग है, ये इसके क्रॉस पट्टी जो तीरा भी बोलते हैं, यहाँ से कट करेंगे और दोनों को ऐसे लगा दें। ये टक्स डालेंगे पहले, इसके बाद हम ये पट्टी लगाएंगे और फिर हम इसका बाजू लगाएंगे और फिर इसकी फिटिंग करके गाड़ा लगा के और इसको हम सिलाई करेंगे। ये बाजू ऐसे दोनों तरफ, ये बाजू ऐसे बाजू लगे, तो ऐसे सिलाई होगा। ये हमारा जैसे हाफ कटोरी वाला ब्लाउज है, सिंपल तरीका से, बहुत ही इजी तरीका से आपको समझा दिया। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से अपना ब्लाउज कटिंग करके सील सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।